हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे कोलियस का एक अलग तरह का हैंगिंग अरेंजमेंट या हैंगिंग बास्केट आप कह सकते हैं बनाने की बात करूंगी। तो ये आप किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। कोई आपके पानी की बॉटल जो होती है, हम जो पानी की बॉटल लाते हैं वो फालतू पड़ी हुई हो, या फ्रिज की बॉटल्स, जैसे ये मेरे फ्रिज की बॉटल है एक, जो पुरानी हो जाती हैं। हम लोग जैसे आजकल मैंने ग्लास की बॉटल्स लगा ली हैं, वो तो प्लास्टिक बॉटल्स मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो ये पुरानी पड़ी हुई हैं। कई बार नया डिज़ाइन हम ले आते हैं, पड़ी होती हैं, तो फिर उसका हम बना सकते हैं। ये जो मैं बना रही हूँ, देखिए, ये बॉटल लेके इसके चारों तरफ ऐसे होल्स कर लेंगे। होल्स को थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। इस तरह का अरेंजमेंट हम पोर्चुलाका से भी बनाते हैं कई लोग, लेकिन पोर्चुलाका में छेद छोटा हो तो चलता है, क्योंकि उसका स्टेम जो है वो बारीक होता है, और कोलियस का जो स्टेम है वो थोड़ा सा थिक होता है। तो होल को हम थोड़ा सा गैस पे गर्म करके पेचकस को उससे इसको होल्स बना लेंगे, अल्टरनेट बनाएंगे होल्स। जैसे दो एक लाइन में जैसे हमने होल बनाए हैं, तो नेक्स्ट लाइन में ये आप देख रहे हैं, जैसे दो होल्स के बीच की जगह में ऊपर वाली लाइन में बनाएंगे। इस तरह से सारी बॉटल में हम होल बना लेंगे, और होल्स को थोड़ा सा इसको ऐसे होल्स करने के बाद घुमा दें चारों तरफ, ताकि थोड़ा सा होल बड़ा हो जाए। तो कोलियस का स्टेम थोड़ा सा मोटा होता है, तो वो इसमें आ जाए। और ये जो हम हैंगिंग बनाएंगे, इसको हम थोड़ा सा छाया में रखेंगे, क्योंकि कोलियस जो है ऐसी छाया भी नहीं जो डार्क हो, या अच्छी ब्राइट लाइट आती हो, या मॉर्निंग की थोड़ी सी सन आता हो, वो भी कोलियस को अच्छा लगता है। मॉर्निंग का एक दो घंटे की धूप अगर इन पर ठंडी ठंडी पड़े, या शाम की थोड़ी सी धूप पड़े, उसको भी अच्छी तरह बेयर कर लेते हैं कोलियस के प्लांट्स। और छाया बिल्कुल में लगाएंगे तो इनके जो पत्ते होते हैं ना, उनमें वेरिगेशन कम आता है पत्तों में, वो एक ही रंग के लगते हैं, पत्ते हरे हरे से हो जाते हैं। तो देखिए, इस तरह से सारे इसमें होल करने के बाद, अब मैं ये ऊपर जो इसका छोटा सा आगे नैरो हो गया हुआ मुंह है, उसको नाइफ़ की हेल्प से काट दूंगी। इसलिए काट दूंगी कि जो ऊपर नैरो जो होता है पानी की बॉटल में, तो ये मुंह और भी नैरो होता है। अच्छा, 2 लीटर वाली जो पानी की बॉटल है उससे ये बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि वो चौड़ी होती है, तो उसका आप ऊपर का 2 इंच का हिस्सा हटा दें अच्छी तरह से काट के, तो वो और भी खूबसूरत लगता है। ये इसलिए काट रही हूँ कि जब हम पानी कैसे देंगे, अगर मुंह ऊपर से छोटा होगा तो, अगर ये चौड़ा मुंह होगा तो हम ऊपर से पानी आसानी से इसको दे देंगे। और फिर इसकी जो रिम है उस पर मैं आमने सामने 4 होल कर दूंगी, ताकि उनमें मैं रस्सियाँ जो है वो अच्छी तरह से उसको रस्सी से, ये वाले होल अब हमें ज़्यादा ब्रॉड मतलब बड़े करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनमें हमें सिर्फ रस्सी इसमें से निकालनी है, या रस्सी, या आपके पास कोई तार हो बारीक वाली उससे आप इसको कर सकते हैं। तो ऐसे ही आमने सामने जो है वो कर लेंगे, और भी नीचे भी हम 2 होल कर देंगे, ताकि इसमें से भी जो है वो पानी, एक्स्ट्रा पानी ड्रेन हो जाए। और इन होल्स में भी हम छोटी छोटी जो है वो कोलियस की स्टिक्स को लगा सकते हैं, वो नीचे से ऐसे मुड़ के ऊपर की तरफ आएंगी, क्योंकि प्लांट की जो है वो नेचर होता है कि वो सूरज की तरफ बढ़ता है और जड़ें नीचे की तरफ बढ़ती हैं। तो अगर हम इसके पेंदे में भी 2 स्टिक लगा देंगे, तो वो भी ऐसे घूम के ऊपर की तरफ आएंगी, बहुत खूबसूरत लगेंगी। तो आप नीचे वाले जो होल हैं उनमें भी लगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, कोलियस की छोटी छोटी सी कटिंग्स लेके, और सारी कटिंग्स बीच में कोई पेंसिल से या किसी चीज़ से होल को लूज़ करते हुए, और ये सारी कटिंग्स जो हैं छोटी छोटी कटिंग्स ही लगानी है, ज़्यादा बड़ी कटिंग नहीं लगाएं आप। 2 इंच लंबी कटिंग्स छोटी छोटी, और 2-2 पत्ते हों छोटे छोटे कटिंग में, ज़्यादा पत्ते भी मत रहने दें, लास्ट के 2-3 ऐसे पत्ते रहने दें। और इनको अब हम सारे में इसमें लगा देंगे। अच्छा, इसमें आप जैसे एक ही कलर का लगाएं तो और भी खूबसूरत लगेगा, वैसे आप अलग अलग रंग के भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने ये जो होल्स हैं वो
लाइन में बनाए हैं, जैसे नीचे की लाइन, फिर उससे ऊपर की लाइन, उससे ऊपर की रिंग में बनाए हैं। तो आप एक रिंग में एक रंग का डिज़ाइन का, दूसरी रिंग में दूसरे डिज़ाइन का, और तीसरी रिंग में तीसरे डिज़ाइन का ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन मैं एक ही डिज़ाइन का लगा रही हूँ, तो वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। वो एक ही खूब सारे ऐसा लगेगा भरा हुआ, तो वो और भी अच्छा लगेगा। और ये अपनी अपनी चॉइस है कि किस जिसको जैसा अच्छा लगे वो उस तरह से बना सकते हैं। इसका मैं आपको अपडेट भी दूंगी। बस इसमें ये है कि इसको आप धूप में मत लगाएं, इस वाली हैंगिंग को जो हम बना रहे हैं, और थोड़ा सा और टाइम भी नहीं लगता कुछ भी, बस होल कर लें। ये तो आप पूरी 5-6 एक साथ बना सकते हैं, बॉटल्स में अंदर बैठ के दोपहर के टाइम आप होल करके रख लें, और शाम को जब अपने गार्डन में जाएं इसमें। और इसमें जो सॉइल मिक्सचर है मैंने नॉर्मल लिया है, जो गमले में लेती हूँ, मेरे सारे गमलों की जो मिट्टी का सॉइल मिक्सचर होता है बस वही वाला सॉइल मिक्सचर है, कोई अलग नहीं लिया है मैंने। और कोलियस ऐसा एक प्लांट है जिसकी रूटिंग बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दी से रूट्स आ जाती हैं इसकी, छोटी से छोटी कटिंग आप लगा देते हैं तो ऐसे इसमें सारे आराम से ऐसे इनमें लगा लीजिए, छोटे छोटे ये जो हैं इनको आराम से लगा लीजिए। मिट्टी जो है वो पहली बार जो मैंने ली है, हल्की सी मॉइस्ट मिट्टी ही इसमें भरें, बिल्कुल सूखी हुई मिट्टी नहीं भरें, थोड़ी सी मॉइस्ट है मिट्टी जो मैंने भरी है। और ये सारी कटिंग्स लगाने के बाद फिर मैं इसमें एक बार पानी दे दूंगी, और ये बहुत खूबसूरत लगता है बनने के बाद। अब ये मैं फटाफट सारे लगा लेती हूँ, आपको दिखाई दिया है कैसे लगाने हैं सारे होल्स में ऐसे खड़े करके, सब में देखिए ये लग गए हैं। और अब इसमें ये मैंने सूतली ली है, जो होल किए थे मैंने आमने सामने, तो उनमें से देखिए ये पिरोलेंगे इनमें से, और इसको दोनों को एक साथ, जैसे अभी इस दो की गांठ लगा लेती हूँ मैं, उधर से भी करके एक साथ इनकी गांठ लगा लेंगे। ये दो ले लिए, अब इस साइड वाली भी एक ही लंबाई की दो रस्सियाँ लेंगे, और एक में से निकाला और एक ऐसे अब ये दूसरे में से निकाला, और जो हमने पहले वाला बांधा था उसको भी साथ में लेके, और एक ही लेंथ पे। अच्छा, अगर आपकी बॉटल थोड़ी ज़्यादा चौड़ी है, जैसे 2 लीटर वाली पानी की जो बॉटल आती है वो ज़्यादा चौड़ी होती है, तो आप जैसे मैंने ये 4 मेरे में स्ट्रिंग आ रही है, 4 होल किए थे मैंने, ऐसे आप 6 होल भी कर सकते हैं, और ज़्यादा चौड़ी है 8 होल भी कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा ये स्ट्रिंग ऊपर जाती हुई दिखेंगी ना, उतना ये हैंगिंग और भी खूबसूरत, जैसे इसमें 4 रस्सियाँ दिख रही हैं ऊपर जाती हुई, तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा जितनी ज़्यादा रस्सियाँ दिखेंगी। और देखिए अब ये और बड़ा होगा जैसे जैसे, तो ये देखिए ऐसे टांग दें आप किसी जगह, और जैसे जैसे ये पत्ते बड़े होंगे, फैलेगा ये, बड़े होंगे, और इसको ऊपर से पानी दे देंगे हम, जो बॉटल का ऊपर मुंह था उसमें से पानी दे देंगे, और जो हमने बॉटम में होल किए थे अगर आप उसमें भी लगाना चाहते हैं तो 2 लगा सकते हैं कटिंग्स, वो भी बहुत खूबसूरत लगेंगी। तो बस इस तरह से ये हैंगिंग तैयार हो गया। अगर आपको पसंद है तो आप भी ऐसा बना लीजिए, और इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।